दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर एस, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है न्यू टाटा हैरियर डार्क एडिशन। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे न्यू टाटा हैरियर डार्क एडिशन के बारे में। अगर आप बात करेंगे हैरियर लाइनअप के बारे में तो हैरियर जानी जाती है अपने डिज़ाइन के लिए, अपनी राइड क्वालिटी के लिए। डिज़ाइन और राइड क्वालिटी इसके सबसे बड़े फैक्टर है। स्पेस की बात बाद में आती है, इसके फीचर्स की बात बाद में आती है, लेकिन इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना, जिसमें आपको एक लैंड रोवर डिस्कवरी का एक आइडेंटिटी मिलती है, एक डीएनए कह लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है। अब टाटा मोटर्स ने हैरियर लाइनअप को थोड़ा अलग बनाने के लिए आपको डार्क एडिशन दी, जिसमें इनने बिल्कुल इसको ब्लैक एक ट्रीटमेंट दिया है, जिसमें इसकी पेंट स्कीम ब्लैक है। न्यू 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं जो कि फुल ऑन ब्लैक ट्रीटमेंट में आते हैं। वहीं फ्रंट में आपको हैरियर का मैस्कॉट मिलता है, वो भी फुल ऑन इसको ब्लैक में थोड़ा सा अलग बनाता है। अब इस सेगमेंट की बात करेंगे तो अभी काफ़ी सारी लॉन्चिंग्स हैं आपके पास, लेकिन जो हैरियर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल लग रही है, खासतौर पर डार्क एडिशन में। जहाँ इसकी एक्सशोरूम प्राइस जब ये लॉन्च हुई थी इस नए अपडेट के साथ, तब थी 19.69 लाख रुपीज़, और अभी इसमें 20,000 रुपीज़ का प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये हो गई है 19.89 लाख रुपीज़ में फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें आपको सिर्फ एक डीजल इंजन मिलता है, 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है। सफारी में भी यही है और हैरियर में भी यही है। परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 170 हॉर्स पावर बनाता है और 350 एनएम का टॉर्क है। अब बात करेंगे इसकी एक और अच्छी चीज़ है, इसमें आपको हैरियर या फिर सफारी, इसमें आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है। जो कस्टमर को बिल्कुल आरामदायक राइड चाहिए वो हैरियर और सफारी आपको देती है। और ऑटोमेटिक की कीमत भी मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताता हूँ, यह है 21.09 लाख रुपीज़, 21,09,000 रुपये, जो कि काफ़ी रीजनेबल है मेरी तरफ से भी। तो वीडियो में सबको जानते हैं क्या है कुछ, और आप अपने कमेंट्स को अपने इसी वीडियो के साथ हमें बताते चलिए कि अगर आप हैरियर के अगर ओनर है तो आपको कैसा हैरियर का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपने अभी जस्ट सफारी बॉट की है तो उसका एक्सपीरियंस भी हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू टाटा हैरियर डार्क एडिशन। बाकी गाड़ी के फ्रंट के लुक की बात हमने स्टार्टिंग से ही की थी, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और काफ़ी बोल्ड करेक्टर है इस गाड़ी का, तो वो आपको साफ साफ इसमें पता चलता है। और ख़ास तौर पे जो इसकी ब्लैक थीम है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक चार्म ऐड कर रही है। उसी के साथ अगर आप बात करेंगे इसके सारे टर्न इंडिकेटर के डिज़ाइन को, अगर आप बात करेंगे इसके की फॉब की, तो ये है इसका कुछ की फॉब जो कि बेसिक डिज़ाइन के साथ आता है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पियानो बॉर्डर्स है, इसमें एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर चाहिए हमें। ये टाटा से एक रिक्वेस्ट है, की फॉब के फंक्शन में जो एक रिक्वेस्ट लैम्प मिलता है वो यहाँ पर कुछ देखेंगे। कुछ ट्राइओ आपको इसमें एक लैम्प सेटअप दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कुछ फॉग लैम्प को प्लेस किया गया है। ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपको जिनॉन HID प्रोजेक्टर ऑफर किया गया है, और ये इसकी एक हेडलैम्प है। यहाँ अगर आप देखते हैं ख़ास तौर पे जो इसका प्रोजेक्टर का लेंस है, इसमें आपको कुछ डॉट दिए गए हैं। इन डॉट का काम यह है कि जब ये लाइट इससे निकले तो जो इनका स्प्रेड हो, जो डिस्पर्स ये हो, काफ़ी इवनली हो, और जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उसको ज़्यादा ब्लाइंड ना करे। और यहाँ पर आपको हैरियर का कुछ मैस्कॉट मिलता है, जिसमें देखेंगे थोड़े बहुत आपको लस्टर मिलेगा, थोड़ा सा मैट फिनिश मिलता है और बढ़िया लग रहा है एक तरीके से ये। और उसी के साथ अगर आप यहाँ देखते हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिए गए, और ये भी इसको थोड़ा सा एक प्रीमियम एक ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। बाकी फ्रंट के डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा अलग शेड वाला स्टेटमेंट नहीं है। नीचे आपको थोड़ी मैट फिनिश में ग्रिल मिलती है, और जो यहाँ पर अगर आप इसका सारा क्लैडिंग का पार्ट देखेंगे ये भी मैट फिनिश में है। ये जो सारा पार्ट आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक कंपोनेंट है। काफ़ी बार क्या होता है, हम इसको मेटेलिक समझते हैं, बट ये सब प्लास्टिक है, तो थोड़ा सा डेलिकेट है। लेकिन फ्रंट का अप्रोच एंगल देखेंगे तो एक रिस्पेक्टेबल अप्रोच एंगल है। इस गाड़ी से अगर आप ऑफ रोडिंग भी ट्राई करते हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आपको ट्रैक्शन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑफ रोड में एक कीचड़ भरे रास्ते में अच्छी तरीके से काम करता है। बात करेंगे इसके अलॉय व्हील्स की, तो इसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अभी मेरी इसके एक ओनर से बात हो रही थी तो उनने मुझे ये कहा था कि इसका टायर साइज़ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनने इसके साइज़ को थोड़ा और ज़्यादा अपग्रेड करा है, जिससे गाड़ी का जो टायर है और ज़्यादा चौड़ा हो चुका है, और गाड़ी का जो बोल्ड लुक है उसमें और बढ़िया तरीके से बैठ रहा है। जो टाटा आपको ऑफर कर रही है ये करिए 235/60 सेक्शन रेडियल 18 का टायर है। जो ओनर मुझे मिले थे उनने 255 में इसको अपग्रेड किया था, लेकिन फिर भी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, बस जो लुक है वो और ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिजस्टोन का आपको वेंडर इसमें टायर ऑफर कर रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक है, और यहाँ देखेंगे व्हील वेल की ओर तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की सारी कवरिंग मिलती है। ये कोई फैब्रिक नहीं है जैसे अल्कज़ार और इनमें है, ये प्लास्टिक है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर कुछ मडगार्ड आपको ऑफर किया गया है। और अब आइए गाड़ी की साइड की प्रोफाइल की ओर। गाड़ी साइड से भी काफ़ी ज़्यादा एक बीस्ट वाला लुक इसको दिया गया है, खास तौर पे जो इसका रेयर का लुक है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैं कहूँगा।
तो ये हम इसका कुछ एक्सटीरियर का लुक देख रहे हैं। जो आपकी हैरियर डार्क एडिशन है या फिर पूरी हैरियर की लाइनअप है, इसका साइज सेम ही है, 4.6 मीटर इसकी लंबाई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मैं इसे कहूँगा। नीचे अगर आप इसके डिपार्चर एंगल को देखते हैं तो अच्छा डिपार्चर एंगल दिया गया है, एग्जॉस्ट का प्लेसमेंट भी यही है, जो अलॉय व्हील है उसको भी पीछे ही प्लेस किया है इनने। और ऐसे कुछ डिज़ाइन में उतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं है इसकी बॉडी में बाहर से। कुछ अगर आप देखेंगे मिसिंग पॉइंट्स तो यहाँ पर कोई भी आपको रूफ रेल नहीं मिलती है, होने को ये इसका एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट है, लेकिन फिर भी काफ़ी सिंपलिस्टिक डिज़ाइन इसे कहेंगे, थोड़ा सा एरोडायनेमिक बनाता है इसको। और ऊपर देखेंगे तो आपको बड़ी सी सनरूफ मिलती है जिसका इतना बड़ा कुछ अपर्चर है। यहाँ आप देखेंगे इसका शार्क फिन एंटीना। पीछे अगर आप आते हैं तो यहाँ हम नोटिस करेंगे इसका कुछ यहाँ पर स्पॉयलर, ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, काफ़ी सटल है, लेकिन लुक अच्छा दिया है। अब जो पहले वाली आपकी डार्क एडिशन आती थी उसमें डार्क होते हुए भी थोड़े बहुत क्रोम के एलिमेंट्स थे, यहाँ पर पहले आपको क्रोम मिलता था, लेकिन अब इसको बिल्कुल एक पियानो ब्लैक एलिमेंट से कवर कर दिया है, जो कि बिल्कुल एक सिंपल लुक रखता है इसको बहुत बढ़िया तरीके से। पीछे भी आपको पहले क्रोम में मिलती थी हैरियर की बैजिंग, अब आपको सिंपल डार्क में मिल रही है, ऐसे कुछ आपको पीछे लाइट्स मिलती है। और यहाँ पर एक और क्रोम की स्ट्रिप है, एक साइड से आप देखेंगे डार्क की बैजिंग आपको मिलती है, जो कि थोड़ा सा इसको और ज़्यादा बीस्ट लुक देती है। ऑटोमेटिक वाइपर आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे। तो दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे इसके इंजन को हमने स्टार्ट किया हुआ है, और अभी जो अगर आप इसके आउटसाइड के डीजल क्लैटर को हॉट करते हैं तो एक तरीके से रिफाइंड साइड में है, उतना ज़्यादा क्लैटर आपको फील नहीं होगा, जो कि मैं इसको एक प्लस पॉइंट दूंगा। एक डीजल जो एक बीस्ट आपको आता है, एक थोड़ा सा फील होता है, वो आपको ज़रूर होगा, बट उससे ज़्यादा एक्सेसिव आपको इसमें डीजल का जो क्लैटर है वो महसूस नहीं होगा। यहाँ पर भी अगर आप डोर हैंडल्स में देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ पियानो एलिमेंट दिया गया है। और फिट ऑफ फिनिश की बात करें तो ये थोड़ा पार्ट ऐसे करके मूव होता है, फिर ये ओपन होता है। यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट बटन आपको इन ऑफर करा है। और डोर को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ मैंने इसको डोर को ओपन किया है। और जो मुझे आपको एक स्मार्ट चीज़ के बारे में बताना है कि जो इस गाड़ी में मिलता है और कंपटीशन अभी नहीं दे पा रहा है, तो उसकी बात भी अभी हम करने वाले हैं। बाकी अगर आप इंटीरियर देखेंगे तो फुल ऑन ब्लैक है, एक ग्रेफाइट ब्लैक कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी लुक दे रहा है इस गाड़ी को। और यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ा हार्ड टच मटेरियल है, और ओआरवीएम्स फुली यहाँ पर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़े से कुछ यहाँ पर कंटूर दिए गए हैं, एक ग्रैबिंग के लिए बिल्कुल एक बोल्ड सा, जो आपको एक मस्कुलर लुक मिले इसमें, एक थोड़ा सा फील आए, वो आपको कुछ ग्रैबिंग के लिए दिया गया। यहाँ पर कुछ परफोरेशंस ऑफर की है। ये जो ग्रैब हैंडल है ये ऐसा कुछ है, काफ़ी कस्टमर्स यहाँ क्लेम कंप्लेन कर रहे थे कि इसमें उन्हें थोड़ा इशू आ रहा है, बट उन्हें ये बात टाटा तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए, जिसकी बात मैं कभी आगे आपसे ज़रूर करूँगा, बट यहाँ पर ये ठीक वर्क कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सॉफ्ट टच मटेरियल ऑफर किया गया है। कुछ नीचे कुछ ऐसा स्पीकर है, स्पेस है नीचे कुछ ऐसा स्पेस है, और यहाँ पर कुछ आपके स्पीकर यूनिट्स ऑफर की गई है। गाड़ी में चढ़ना और उतरना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बीइंग एन एसयूवी 205 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस होते हुए भी। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये फुली कवर्ड हो जाता है। इसको अगर हम ये वाले पार्ट से नोटिस करेंगे तो देखिए ये बंद होता है तो इसका ये पार्ट कवर्ड होता है। तो अगर आप इसे कीचड़ भरे रास्ते में चलाएंगे या फिर गंदगी में भी चलाते हैं तो आपका ये वाला पार्ट गंदा नहीं होगा, जिससे चढ़ते उतरते समय आपकी पैंट या फिर आपने जो भी पहना है वो गंदा नहीं हो पाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप इसके फुली पावर्ड ड्राइवर साइड सीट को देख सकते हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग 60 एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक यूटिलिटी का फंक्शन हम कह सकते हैं। अगर आप यहाँ के स्पेस की बात करें तो यहाँ पर इसका कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है। डेड पेडल का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और साइडवेज है, लेकिन स्पेस ठीक लग रहा है अभी। और सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स आपको इसमें एक तरीके से लेदरेट कह सकते हैं, थोड़ा सा टेक्सचराइज लेदरेट है, परफोरेशन आपको ज़रूर मिलेंगे लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। में जो आर्मरेस्ट है वो भी पैडेड है अच्छी तरीके से। ये सब के बारे में बात करेंगे। और ये है इसकी बड़ी सी सनरूफ, जो कि कस्टमर्स को काफ़ी डिलाइटिंग लगती है। और एक चीज़ आप और गौर कीजिए, जो इसकी रूफ़ है वो भी फुल ऑन ब्लैक आती है, तो यहाँ पर भी आपको जैसे प्रीमियम कार्स में कुछ रहता था वो कुछ आपको मिलेगा। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, जो एक टिंटेड क्रोम का सारा ट्रीटमेंट है, और सेटिन क्रोम कहेंगे इसे ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पर भी कुछ बेजल दिया गया, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी यही है। और अपर डैशबोर्ड में ये भी फुल ऑन आपको एक सॉफ्ट टच मटेरियल है, जैसे आपको फॉर्च्यूनर में मिलता है, ऐसा ही कुछ मटेरियल दिया गया है। टॉप वेरिएंट क्योंकि हम आज हमारे साथ हैं तो इसमें 6 एयरबैग आपको मिलते हैं, और JBL के काफ़ी सारे आपको स्पीकर और ट्विटर्स का सेटअप है, और साउंड क्वालिटी बहुत शानदार है। डोर थर्ड की बात करें तो ये है इसकी कुछ डोर थर्ड। एसी की परफॉर्मेंस भी ठीक है, मैंने जस्ट अभी इसका इंजन स्टार्ट किया था और कैबिन को इसने कूल करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा कम रखते हैं। और अभी 1 फैन स्पीड पे है, और अभी आप कैबिन के अंदर के एनवीएच को हर्ट कर सकते हैं,
थोड़ा डीजल इंजन है इसलिए स्टेयरिंग में थोड़ा सा आपको इसमें अभी फील हो सकता है वाइब्रेशन, बट उतनी ज़्यादा एक्सेसिव नहीं है और आपको परेशान करने वाली नहीं है, एक तरीके से कंट्रोल्ड है, लेकिन फील आपको ज़रूर होगी क्योंकि आप एक डीजल गाड़ी चला रहे हैं। 170 PS की मैक्सिमम पावर है, 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है, माइलेज अभी ये 8 KMPL शो कर रहा है, लेकिन ये 14-15 आपको दे देती है। इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ। और स्टार्टिंग से ही मैं जिस स्मार्ट चीज़ की बात कर रहा था उसके बारे में अब हम बात करते हैं, और ये है टाटा हैरियर में आपको IRVM जो मिलता है ये फुली ऑटोमेटिक मिलता है, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ मिलता है और ऑटो डिमिंग भी कहते हैं इसे फंक्शन, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन फंक्शन है और हर कंपनी इसको देती है। लेकिन जो टाटा मोटर्स का जो एक डायरेक्ट कंपटीशन है महिंद्रा, उन्होंने मिस आउट कर दिया है ऐसे XUV700 में। मैं जानता हूं उसका रीजन क्या है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, टॉप एंड मॉडल्स में देना चाहिए जिससे कस्टमर को ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मिस आउट हो गया। सेफ्टी सेंस में दोनों गाड़ियां बिल्कुल शानदार है, वो इससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है फीचर्स के मामले में, लेकिन ये बहुत ही बेसिक फीचर, एक स्मार्ट फीचर जो हमें कनेक्टेड फीचर हमें मिलते हैं। अब देखिए टाटा हैरियर में आपको आयरा का सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन ये मिल जाते हैं चीज़ें, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। तो ये कुछ थी मेरी एक स्मार्ट चीज़ जो हैरियर में आपको मिल रही है। तो दोस्तों टाटा हैरियर डार्क एडिशन की कुछ और स्मार्ट चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं एक और स्मार्ट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, और ये है इंश्योरेंस। आप गाड़ी को अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा करना भूल जाते हैं। नई कार खरीदने के बाद ये जरूरी नहीं कि आप डीलर के बताए इंश्योरेंस ही खरीदे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बाहर से भी कार इंश्योरेंस चेक करें। और क्या आपको पता है कि आप किसी भी IRDAI अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी से अपनी नई कार का इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, और ऐसा करने से आप अपने इंश्योरेंस में काफी पैसा भी बचा सकते हैं। याद रखिए, अपनी मर्जी का इंश्योरेंस लेने से आपको कोई भी डीलर नहीं रोक सकता है। सो माई सजेशन फॉर यू वुड बी एक्को कार इंश्योरेंस। यू वुड बी हैप्पी टू नो विथ एक्को यू कैन सेव अप टू 50,000 रुपीज ऑन योर न्यू कार इंश्योरेंस। सिर्फ यही नहीं, इसको आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो फ्रॉम www.echo.com या इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी है। ये 100% डिजिटल है विथ जीरो पेपर वर्क और जीरो कमीशन, और जो माइनर डैमेजेस है इसका क्लेम भी ये सेम डे सेटल कर देते हैं, मतलब टाइम और पैसे दोनों की बचत। अब हम बात करते हैं टाटा हैरियर डार्क एडिशन के सारे स्मार्ट फीचर्स के बारे में। तो ये इसका जो 2 लीटर का फीएट सोर्स डीजल इंजन है, जो आपको कंपास में भी मिलता है, हेक्टर में भी मिलता है, हेक्टर प्लस, सफारी, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन है और एक तरीके से रिफाइंड इन्वायरमेंट रहता है। स्टैंड स्टिल में थोड़ा बहुत आपको फील होगा, एक जो डीजल क्लैटर आपको नोटिस आप ज़रूर करेंगे। एक जल्दी से नज़र मार लेते हैं हम इसके इंजन बे की ओर, वहाँ आप थोड़ा सा और चीज़ों के और देखेंगे। इसका पावर फिगर इसके काफ़ी शानदार है, थोड़ा सा लो एंड में हल्का फुल्का आपको इसमें जो लैग वाला है वो ज़रूर नोटिस करते हैं, बट यहाँ पर इंजन बे देखेंगे वही पुराना जो पहले आपको मिलता था। पहले आपको 130 PS की पावर मिलती थी, अब आपको इसमें 170 PS की मिलती है। क्रायोटेक का मतलब होता है कि जिसमें आपको कैमशाफ्ट मिलती है, या फिर जो भी इसके इंजन के मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स हैं उनमें जो फ्रिक्शन है उसको टाटा मोटर्स ने थोड़ा सा कम करा है, जिससे जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है और जो इसका NVH लेवल है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हुआ है। ये इसका कुछ आप इसका एयर इनटेक का पूरा सिस्टम देख रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेजोनेटर चैम्बर बनाए गए हैं। जो आपको इसमें पावर स्टीयरिंग मिलता है ये हाइड्रोलिक दिया गया है, जिसका यहाँ पर कुछ चैम्बर आपको मिलेगा, और एक तरीके से थोड़ा हैवी है इसका स्टीयरिंग, बट फील आपको काफ़ी अच्छी देता है। ऊपर भी देखेंगे तो आपको ये कुछ आपको पूरी डैम्पनिंग मिलती है, और ये जो इसका बोनेट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे वेट के साथ मिलता है, जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी अच्छा अनुमान आपको हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल एनकैप में अभी ये इसने दस्तक नहीं दी है। यहाँ पर वेलकम करती है आपकी ट्विन पॉट कह सकते हैं, जिसमें बीच में एक स्क्रीन दी गई है, ये डिस्प्ले जिसमें आपको नेसेसरी सारी फंक्शंस मिलते हैं, उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। और अगर आप सफारी की बात करेंगे तो सफारी से बहुत बढ़िया एक पूरा आयरा का सपोर्ट भी है अच्छा खासा, एक लेआउट भी उसका थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ फंक्शंस देखेंगे तो ऐसे इसके सारे के सारे आपको थोड़े फंक्शंस लगेंगे। यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, पावर टॉक, मतलब बेसिक नेसेसरी के सारे फंक्शन देगी, ज़्यादा जो आजकल ट्रेंडी फंक्शंस है वो आपको नहीं देगी। एक और देखेंगे आप, हैरियर ने दस्तक दे दी है जिसकी डिलीवरी कल है, इसकी वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। ये इसका सिंपल सर्कुलर लेदरेट वाला स्टीयरिंग मिलने वाला है,
जिसके कंट्रोल्स कुछ यहाँ दिए गए हैं, ये आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन देता है। सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो जो आइलैंड इंस्पायर्ड आपको डिस्प्ले मिलती है यहाँ पर, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज़ जो कस्टमर्स हैं उनका जेन्युइन फीडबैक बताऊँ तो थोड़ा सा उनको छोटा लगता है, उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि टाटा मोटर्स को ज़रूर इसमें काम करना चाहिए, लेकिन ये यूज़ करने में काफ़ी ईजी होता है। काफ़ी ईजिली आपको इसमें जो भी इसके आइकन्स हैं वो मिल जाते हैं। आयरा इसमें नहीं मिलता है, आयरा आपको सफारी में मिलेगा जो कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक कनेक्टेड बना देता है। ये पार्किंग का आपको मिलता है। काफ़ी लोगों की शिकायत ये भी है कि जो इसका रिवर्स गियर है जब हम उसको इंगेज करते हैं तब इसका कैमरा थोड़ी देर में एक्टिवेट होता है, तो अगर आप इसके जेन्युइन ओनर हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिव्यू में कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि ये चीज़ें होती है 20,000-30,000 चलने के बाद, जो कि जेन्युइन फीडबैक मेरे पास आया है। ये अभी कोई मुझे इसमें परेशानी नहीं है, बट मैं आपको एक पूछ रहा हूँ। तो ये इसके कैमरे की क्वालिटी है, थोड़ा सा अभी बाहर अंधेरा हो चुका है तो क्वालिटी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रही है, और ये स्मार्ट चीज़ मैंने आपको बताई जो कि बेसिक है और स्मार्ट भी है। लाइट्स के सारे कंट्रोल्स, लाइट्स को हम फुल ऑन यहाँ पे चलाते हैं तो सेंटर कंसोल काफ़ी अच्छी तरीके से वेल लिट हो जाता है। इसकी फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है इसमें, और कुछ आपको टायर और एलिमेंट्स यहाँ पर भी बरकरार किए गए हैं। बीच में देखेंगे सारे के सारे आपको ऑटोमेटिक फुल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन है, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड और सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो तीन है, वेट, रफ और सिटी। काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, सफारी में भी अच्छा काम करते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हुए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ बटन है, हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ है, यह है इसका 6 स्पीड का ट्रांसमिशन जो कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा। क्लच इसका थोड़ा सा हैवियर साइड में है, पहले जब हैरियर आई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट क्लच था जो कि कस्टमर्स को चाहिए था कि थोड़ा हैवी दिया जाए, टाटा ने अच्छा इसको हैवी कर दिया है, अच्छी फील और फीडबैक दिए है। ये इसके सारे सनरूफ के कंट्रोल्स है, और सनरूफ का अपर्चर देखेंगे तो अच्छा है, और थोड़ा सा ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक इंटीरियर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा जम भी रही है, अभी बढ़िया लग रहा है, और अंधेरा भी हो चुका है तो सब कुछ डार्क डार्क हो चुका है। तो ये हमने सब कुछ इसका इंटीरियर का पार्ट देखा, ये थोड़ा सा एयरप्लेन स्पीड आपको हैंड ब्रेक मिलता है जो कि इसको आप काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, थोड़ी सी बेसिक आपको दे दी गई है, और यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग मिलता है जो कि फास्ट तो नहीं है बट चार्ज कर देता है आपके डिवाइसेस को। एक ऑक्सीलरी पोर्ट यहाँ ऑफर किया गया है, और यहाँ देखेंगे तो ये इसका सारा का सारा कूलिंग के फंक्शन के साथ 12 वोल्ट का सॉकेट है, और ये है इसका फास्ट चार्जिंग दिया गया डुअल USB, और स्पेस यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठीक बनाया गया है। थोड़े से कप होल्डर्स है, कुछ परफ्यूम टाटा मोटर्स ने यहाँ प्लेस की है। ये आप मेरा कुछ हेडरूम देख रहे हैं, ये मेरा आप शोल्डर रूम देख सकते हैं, मतलब गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी जो एडवांस फीचर है वो मिस आउट कर रही है अभी हैरियर, तो वो आपको मिल सकता है काफ़ी जल्द। अगर आयरा भी इसमें आ जाए तो थोड़ा सा टाटा मोटर्स के पास ये हो जाएगा कि वो टॉप एंड कस्टमर्स को थोड़ा सा कनेक्टिविटी के फीचर भी दे पा रहे हैं। एक बार पीछे चल के देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि AC कितना ज़्यादा आपको कूलिंग दे पाएगा। अभी मैंने AC बहुत ही मिनिमम में रखा हुआ है, और ये सेकंड रो का आपको पूरा स्पेस देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा जो डोर पैनल की बात कर लीजिए, ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, कोई भी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर फील नहीं होगी। JBL के सारे स्पीकर सेटअप और ट्विटर से ऑफर किए गए हैं। डोर हैंडल आपको सिमिलर है जो आपको फ्रंट में मिलता है। कुछ सॉफ्ट टच पैडिंग यहाँ ऑफर की गई है, और थोड़ा सा देखिए कुछ स्मार्टली प्लेस किया गया ये सारे डिज़ाइन को, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस है, और यहाँ देखेंगे तो ये से कुछ क्लैडिंग का पार्ट है, और जो सीट्स का आपको अंडर सपोर्ट मिलता है, मैं स्टार्टिंग से ही कहता हूँ कि अच्छा दिया गया है, इसमें काफ़ी कंफर्टेबली आप इसमें बैठ सकते हैं। और ये इसके सारे के सारे आपको हेड पैडिंग मिलती है जो कि एडजस्टेबल है, सेंटर वाले के लिए नहीं मिलेगी। पार्सल ट्रे को आप कुछ ऐसे देखेंगे, और ये जो सनरूफ है वो यहाँ तक एक्सटेंड होती है, लेकिन ओपनिंग वाला पार्ट यहाँ तक है, तो सेंटर वाला जो इसका बी पिलर है वहाँ तक रहने वाली है। बैठ के देखते हैं इसमें जल्दी से, वहाँ देखते हैं इंजन कैसा आपको फील होगा। पीछे बैठ के भी हल्का फुल्का आप क्लैटर इसमें नोटिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए डीजल गाड़ी आप चला रहे हैं, आपको माइलेज भी ठीक मिलती है, टॉर्क भी बढ़िया मिलता है, तो उसका थोड़ा डाउन साइड एक क्लैटर वाला आ जाता है जो कि आपको इसमें ज़रूर अंदर आएगा। बट लेकिन जो और है इसका परफॉर्मेंस वाला पार्ट है वो भी आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो पीछे क्योंकि इसमें AC वेंट नहीं दे रही है यहाँ पर, तो उसका थोड़ा डाउन साइड आप लग सकता है, लेकिन आपको जो साइड में पिलर माउंटेड मिलते हैं वो अपना काम बखूबी करते हैं। हाँ, जो सेंटर वाला बैठेगा उसको आगे से भी फ्लो मिल ही जाएगा, उतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये थोड़ा सा उन्होंने जैसे प्रीमियम गाड़ियों में मिलता है ऐसा ही कुछ दिया। यहाँ पर बहुत ही हल्का सा ब्रीज आपको फील होगी, उतनी ज़्यादा नहीं होगी, जस्ट क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट वाली फ़ैन सेटिंग में मैंने लगाया हुआ है। पीछे की अगर मैं सारी लाइट्स इसमें ऑन कर देता हूँ तो इतनी कुछ
अंदर लाइटिंग हो जाती है और सेंटर में आपको फ्लैट दिया गया, किसी भी प्रकार का हम्प नहीं है, लेकिन नीचे आपको काफ़ी बड़ा हम्प मिलता है जो कि इसका एग्जॉस्ट टनल के लिए बनाया गया है टाटा की तरफ से। और अगर आप मेरे यहाँ हेडरूम की बात करें तो ये आप मेरा कुछ हेडरूम देख रहे हैं, ऐसा कुछ मेरा हेडरूम है, ये मेरा शोल्डरूम आप देख पाएंगे। स्पेस की कमी नहीं है इसमें, पीछे लंबी चौड़ी गाड़ी है, कोई कमी होनी भी नहीं चाहिए, 3 लोग इसमें आसानी से बैठ जाएंगे। बीच में आपको इसमें लैप टाइप दी गई है सीट बेल्ट। और पीछे बूट की बात करते हैं तो बूट आपको इसमें 425 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया गया है जो कि बढ़िया बूट स्पेस है, बिल्कुल फ्लैट आपको मिलने वाला है, आप बड़े से बड़ा सामान भी इसमें आसानी से रख पाएंगे, ऐसा कुछ इसका पूरा बूट है देखेंगे तो। यहाँ पर आपको टायर रिपेयर किट इन्होंने ऑफर करी है जो कि ज़्यादा यूज़फुल है एक स्पेयर टायर को चेंज करने के मुकाबले। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है अगर आप इसके जो यूज़ेबल्स हैं जो आप यूज़ करेंगे बार बार, वो आपको लगेगा कि ये आपको बार बार रिफ़िल करवाना पड़ रहा है, बट ये थोड़ा फास्ट वे है एक पंचर टायर को जल्द से जल्द रिपेयर कराने के लिए। और ये कॉन्टिनेंटल इन्हें सप्लाई कर रहा है तो क्वालिटी भी एक टॉप नॉच हम कहेंगे इसकी। और उसी के साथ अगर स्पेयर व्हील, मैंने आपको बताया कि ये इसके बिलो द जो इसका टेल गेट है इसके नीचे वाले पार्ट में प्लेस किया गया है, और ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो पीछे का एक्सल इसका डेड है। यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ पर भी एक स्पेस दिया गया जिसमें आप थोड़े से डेलिकेट आर्टिकल्स को रख सकते हैं, और कॉस्ट कटिंग कहीं पर भी नहीं है। पार्सल ट्रे भी एक सिंगल यूनिट है और काफ़ी बड़ी यूनिट है। ये सारा आप क्लैडिंग का इसका पार्ट देखेंगे जो कि ऐसा आपको कुछ मिलेगा। एक ग्रैब हैंडल यहाँ ऑफर किया गया है। तो ये हमने देखी टाटा हैरियर डार्क एडिशन डिटेल में। अभी थोड़ी सी रात हो गई है तो जो ब्लैक कलर है वो इस अंधेरे में और ज़्यादा आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लग सकता है। अभी दिवाली की लाइटिंग्स है तो थोड़ा और ज़्यादा इस पर जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है वो आप इसमें नोटिस करेंगे। तो और इंटीरियर तो काफ़ी वेल लिट है तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये कुछ था हमारा टाटा हैरियर डार्क एडिशन का एक डिटेल। इसके काफ़ी सारे ओनर से हम मिल चुके हैं, इसके सारे ओनरशिप रिव्यूज़ मैं आपके लिए चैनल में लाते रहूँगा जिससे आप तक एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए कि आपको टाटा हैरियर को भी परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और मुझे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अभी इसलिए लग रही है क्योंकि देखिए सेफ्टी में तो आपको इसमें यूज़फुल सारे फ़ीचर्स मिल रहे हैं, बस एक दो चीज़ जो एडवांस सेफ्टी फ़ीचर है या फिर आप अडास की बात कर लीजिए, ये इन सब फ़ीचर्स को मिस आउट कर रही है। और इसकी एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो इसका डिलीवरी टाइम है, ये बुकिंग टाइम से डिलीवरी में, वो काफ़ी शॉर्ट है, यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर ये गाड़ी आपको बुकिंग के बाद डिलीवर हो जा रही है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है। जहाँ इसका कंपटीशन अभी महिंद्रा की XUV 700 है, एक तो अभी ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है चिप्स की या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, तो इसकी एक शोरूम मैंने आपको बताई 19.89 लाख रुपीज़, और जो इसका ऑटोमेटिक है उसकी एक शोरूम है 21,09,000 रुपीज़। और ये गाड़ी मैनुअल में ऑन रोड 23,10,000 रुपये की शो कर रहे थे अभी, और ये ऑन रोड अगर ये ले लेते हैं इसमें 25 लाख के आसपास चल जाएगी ऑटोमेटिक में। तो एक तरीके से बेस्ट बाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो आपको अभी मिल रहा है ये वैल्यू आपको ज़रूर देगी। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ओपिनियंस। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।